हाय गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन के लिए टॉप बेस्ट एप्लीकेशंस के बारे में, जिनको हर एक आईफोन यूज़र को इंस्टॉल करके रखना चाहिए अपने आईफोन में। वाकई में जब आप इन एप्लीकेशंस को एक बार अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लोगे तो आप इन एप्लीकेशंस को अपने आईफोन में से कभी भी नहीं डिलीट करोगे। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इन 6 एप्लीकेशंस के बारे में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 6 एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी हैं, जो कि आईफोन्स के लिए टॉप बेस्ट एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली उन आईफोन्स के लिए जिनके पास होम बटन है। तो जैसे कि iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s और 7 और 7 प्लस, 8 और 8 प्लस मॉडल्स, इन सभी में होम बटन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा भी देखने को मिलता है इन होम बटन वाले आईफोन्स में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे हम अपने आईफोन में सिंगल कैमरा आईफोन्स में पोर्ट्रेट मोड को कैसे इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है जिसका नाम है फोकस। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। तो चलिए ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन को अपने आईफोन में। तो अब आपको यहाँ पर एक किसी भी एक सिंगल फ़ोटो को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जिसके ऊपर आपने पोर्ट्रेट मोड को अप्लाई करना है। तो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पर मेरे को इस एप्लीकेशन में से इस फ़ोटो को मैंने सेलेक्ट किया है। और गाइस, इस एप्लीकेशन की सबसे बढ़िया बात यह है, ये जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती है आपकी फ़ोटो को और उसमें ऑटोमेटिकली ब्लर अप्लाई कर देती है, जैसे कि आपने अभी देखा। मैंने सिर्फ यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर इस साइज़ के ऑप्शन के ऊपर आपने टैप करना है तो येलो हो जाएगा। इस स्लाइडर को यूज़ करके आप अपनी ब्लर की रेशियो को बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। सिंपली मैंने इसे बढ़ाना है तो मेरे ब्लर की रेशियो भी बहुत ही बढ़िया हो चुकी है, जैसे कि ये ड्यूल कैमरा वाले आईफोन में ये फ़ोटो शूट की गई हो। तो गाइस, इसकी बैकग्राउंड ब्लर को आप चेक कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया हो चुका है ओरिजिनल जैसा। तो यहाँ पर आपने सेव करने के लिए शेयर के ऊपर टैप करना है, सेव कॉपी के ऊपर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पर चलिए चेक करते हैं अपनी फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन को, तो अपनी फ़ोटो में ब्लर जो है, पोर्ट्रेट मोड जो है, वो कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल बढ़िया H2H आपको पोर्ट्रेट मोड बहुत ही बढ़िया दिखाई देगा, कहीं पर भी आपको ये मिस नहीं होता हुआ दिखाई देगा। तो गाइज, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अपने फ़ोटो की जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से ब्लर हो चुकी है, मतलब कि पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट हो चुकी है अपनी फ़ोटो। तो गाइज, इस एप्लीकेशन को हमेशा अपने आईफोन में आपको ज़रूर इंस्टॉल करके रखना चाहिए। तो गाइज, यहाँ पर अब हम दूसरे नंबर के ऊपर जो अपनी एप्लीकेशन आती है वो है NC Pro नाम की एप्लीकेशन है। तो गाइज, ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है? इस एप्लीकेशन की सबसे बढ़िया जो खासियत वाली बात यह है कि आपको इस एप्लीकेशन में पोर्ट्रेट मोड मिलता है, HDR मोड मिलता है और आपको नाइटस्केप का भी मोड देखने को मिलता है, जिसके साथ आप में अपने नाइट के टाइम भी बढ़िया फोटोज़ को शूट कर सकते हो, वीडियोस को शूट कर सकते हो। सबसे पहले NC Pro की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, सेकंड नंबर के ऊपर है, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है क्योंकि ये एप्लीकेशन थोड़ी सी हैवी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हो अपने आईफोन में ये ओपन हो चुकी है एप्लीकेशन। अब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपने कैमरा में लेकर आना है, जिसके साथ आप चेक कर सकते हो पोर्ट्रेट मोड को मैंने यहाँ पर इनेबल कर रखा है। यहाँ पर थोड़ी सी एज डिटेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा फोकस में है और साइड में आपको यहाँ पर ब्लर की रेशियो देखने को मिल रही होगी, ब्लर हो चुकी है अपनी फ़ोटो की बैकग्राउंड। तो यहाँ पर अगर आपको नाइटस्केप में फ़ोटो को शूट करना है तो नाइटस्केप को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ही नाइटस्केप के ऊपर शिफ्ट करोगे तो आपके सामने आपकी फ़ोटो की जो ब्राइटनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसका मतलब यह है कि आप अपनी नाइट के टाइम भी बहुत ही बढ़िया फ़ोटोज़ को शूट कर सकते हो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके। तो आप यहाँ पर क्वालिटी चेक कर सकते हो अपनी फ़ोटो की, बिल्कुल बढ़िया हो चुकी है, HDR हो चुकी है। यहाँ पर आपने ओपन करके देखना है, बहुत ही फुल HD आप जिसे बोल सकते हो, नाइटस्केप में भी आपको सेम टू सेम क्वालिटी देखने को मिलने वाली है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के साथ। तो सिंपली आपने HD मोड को यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो HDR मोड का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपकी फ़ोटो में HDR मोड को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर टैप करना है और आपकी फ़ोटो की क्वालिटी दुगनी हो जाएगी, जैसे कि आप अपने रियर कैमरा में फ़ोटोज़ को शूट करते हो और आपकी जो डिटेल्स होगी आपकी फ़ोटो में वो बहुत ही बढ़िया निखर कर आएंगी। आप सभी देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है ये एप्लीकेशन, मस्ट हैव के आपको इन एप्लीकेशंस को अपने आईफोन में ज़रूर इंस्टॉल करके रखना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर हम थर्ड नंबर के ऊपर बात करते हैं अपनी वॉलपेपर की एप्लीकेशन, इसका नाम है वॉलपेपर सेंट्रल। तो सारी की सारी एप्लीकेशंस फ्री हैं, तो आपने ऐप स्टोर को ओपन करना है, बारी बारी से इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है। तो इस एप्लीकेशन को भी ओपन करते हैं यहाँ पर अपने आईफोन 7 में। तो यहाँ पर आप
आपको इस एप्लीकेशन की सबसे बढ़िया खासियत बात यह है कि आपको यहाँ पर डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ही बढ़िया अपडेटेड वॉलपेपर्स आपको देखने को मिलते रहते हैं इस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो iOS 16 के भी वॉलपेपर्स आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। जो भी एप्पल का नया इवेंट आता है उसका भी वॉलपेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है हर टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी यहाँ पर जून के मंथ में एप्पल अपना नया iOS का वर्जन रिलीज़ करने वाला है, उसके लिए यहाँ पर इस एप्लीकेशन ने ऑटोमेटिकली एक वॉलपेपर यहाँ पर ड्रॉप किया है इस एप्लीकेशन में। तो सिंपली इसे डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के ऊपर आपने टैप करना है, इसके साथ आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये वॉलपेपर सेव हो चुका है सक्सेसफुली, तो बिल्कुल हाई क्वालिटी में होगा ये वॉलपेपर 4K क्वालिटी में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इसकी क्वालिटी बिल्कुल ही बढ़िया है, यहाँ पर 4K क्वालिटी में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ये वॉलपेपर। तो यहाँ पर आपको लाइव वॉलपेपर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, अपने वॉच के फेसेस भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्पल वॉच अगर आप यूज़ करते हो उनके लिए भी आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वॉच के फेसेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सिंपली, जैसे हमने वॉलपेपर को डाउनलोड किया वैसे ही आप इन एप्पल के वॉच के फेसेस को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर लाइव वॉलपेपर को डाउनलोड करने के लिए सिर्फ लाइव के ऊपर आपने टैप करना है, इसके लिए आपको इसकी जो पेड वर्जन है वो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का पेड वर्जन भी है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइव का ऑप्शन आ रहा है, तो लाइव चलेगा ये वॉलपेपर बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने सिंपली प्रोसेसिंग चल रही है, तो सिंपली इस एप्लीकेशन को भी हमेशा अपने आईफोन में जरूर इंस्टॉल करके रखें, बहुत ही बढ़िया वॉलपेपर्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस एप्लीकेशन में। ये भी वॉलपेपर मैंने इस एप्लीकेशन में से ही इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं अपने 4th नंबर के ऊपर, जो एप्लीकेशन है वो अपनी वीडियो टू लाइव, किसी भी वीडियो को आप अपने लाइव फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके। कैसे, सिंपली मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर मैंने इस वीडियो को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। अब आपको मेक के ऊपर आपने टैप करना है देंगे, और यहाँ पर मेक के ऊपर आपने प्रेस कर देना है, आपकी वीडियो प्रिपेयरिंग होनी शुरू हो चुकी है। वैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो प्रिपेयरिंग हो रही है, आपने बिल्कुल भी लीव नहीं करनी इस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अपनी वीडियो जो है वो कम्प्लीटली लाइव फोटो में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपको फोटोज़ की एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पर आपने चेक करना है अपनी वीडियो जो थी वो लाइव फोटो में कन्वर्ट हो चुकी है। लाइव की ऑप्शन आ रही है टॉप के ऊपर, तो आपने लॉन्ग टैप करना है और आपकी जो वीडियो होगी वो लाइव फोटो में कन्वर्ट हो चुकी है। इसे आप अपने किसी भी वॉलपेपर के ऊपर सेट कर सकते हो, किसी भी आईफोन में यूज एज अ वॉलपेपर के ऊपर सेलेक्ट करना है और एज ए वीडियो आप सेट कर सकते हो अपने वॉलपेपर में। तो यहाँ पर आपने सिंपली वेट करना है थोड़ी देर के लिए, अपने यहाँ पर लॉन्ग टैप करना है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अपनी वीडियो जो है वो यहाँ पर कम्प्लीटली इनेबल हो चुकी है एज अ वॉलपेपर। किसी भी वीडियो में आप कन्वर्ट कर सकते हो एज अ वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको सिंपली यहाँ पर दूसरी एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि 5th नंबर एप्लीकेशन, वो आती है अपनी स्प्लिट स्क्रीन की एप्लीकेशन। सो गाइस, ये जो स्प्लिट स्क्रीन का फीचर है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ज़रूर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जिसको आप यूज़ करके आप अपने आईफोन में दो एक ही टाइम पे दो एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो। तो कैसे, यहाँ पर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर टाइम। तो गाइज़, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपके सामने दो विंडोज़ ओपन हो जाएंगी, एक ऊपर वाली है, नीचे वाली दूसरी है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एक के ऊपर आप अपनी यूट्यूब एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो और दूसरे वाले में आप अपनी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को भी यूज़ करते हो। ये आप चेक कर सकते हो, बहुत सी एप्लीकेशन है आपके सामने, कोई भी एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ब्राउजिंग करनी है तो आपने गूगल को ओपन करना है, अगर आपको अमेजोन को यूज़ करना है अमेजोन की एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो गाइस, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मैं एक ही टाइम पर दोनों एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता हूँ, वो भी अपने आईफोन में। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, पहले ये जो फीचर था इसके लिए आपको आईफोन को जेल ब्रेक करना पड़ता था, बट अब आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दी गई है जिसको आप यूज़ करके स्प्लिट स्क्रीन के फीचर को इनेबल कर सकते हो। किसी भी आईफोन में कोई भी वीडियो आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो, एक ही टाइम पे दो एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज, जिसे आप मल्टीटास्किंग भी कह सकते हो। सो गाइज, अब हम बात करते हैं चार्जिंग एनिमेशंस के रिलेटेड एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो कि बहुत ही बढ़िया है और आपको हमेशा इसे इंस्टॉल करके रखना चाहिए अपने आईफोन में। कैसे काम करती है ये एप्लीकेशन, सिंपली इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्रॉस के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मैंने इसे पहले से ही सेट कर रखा था अपने आईफोन में। स्वाइप करेंगे तो जैसे स्वाइप करोगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशंस में से जो आप चेक कर सकते हो एनिमेशंस, वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब मैंने सिंपली इस एनिमेशन को यूज़ करना है, तो मैंने सिंपली इसे सेलेक्ट के ऊपर मैंने टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, बैक जाना है अपनी होम स्क्रीन के ऊपर, तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने आईफोन में। ये है अपनी शॉर्टकट की एप्लीकेशन, इसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पर चेक करना है
ऑटोमेशन के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है, क्रिएट न्यू पर्सनल के ऊपर आपने टैप करना है, बॉटम के ऊपर जाएंगे, चार्जर को सेलेक्ट करेंगे, इस कनेक्टेड के ऊपर आपने टैप करना है, क्योंकि जब हम अपने आईफोन को चार्जिंग के ऊपर सेट करेंगे तो आपका आईफोन ऑटोमेटिकली रन करेगा आपके लिए कस्टम एनिमेशन जो होगी चार्जिंग की। तो नेक्स्ट के ऊपर आपने टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पर ओपन ऐप्स के ऊपर आपने टैप करना है, तो ऐप के ऊपर सेलेक्ट करेंगे कोई भी एप्लीकेशन जो आपने चार्जिंग की इंस्टॉल कर रखी होगी उसके ऊपर आपने टैप करना है, सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर आप टैप कर देना है, इसको आपने ऑफ करना है, डोंट आस्क के ऊपर टैप करना है और आपको यहाँ पर डन के ऊपर टैप कर देना है। अब आपका सारा का सारा काम हो चुका है। तो आपने सिंपली करना क्या है, अपने आईफोन को चार्जिंग के ऊपर आपने अब आपको सेट करना है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट करें। तो यहाँ पर मैंने सिंपली अपने आईफोन को चार्जिंग के ऊपर सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कस्टम चार्जिंग एनिमेशन जो है वो यहाँ पर इनेबल हो चुके सक्सेसफुली। तो इसका कलर भी टाइम टू टाइम चेंज होता जाएगा। तो अब अपना जो परसेंटेज लेवल है बैटरी का वो 47 रह चुका है, इसीलिए यहाँ पर आपको रेड कलर या ऑरेंज कलर में आप बोल सकते हो इसकी जो एनिमेशन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, वाटर की तरह यहाँ आपको जाती हुई दिखाई देगी अपने आईफोन में। बहुत ही बढ़िया कूल एनिमेशन लगती है अपने आईफोन के लिए। तो मस्ट है कि आपको इन एप्लीकेशंस को अपने आईफोन में ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आप एक आईफोन यूज़र हो। तो आई होप यू गाइस फाइंड दिस मेथड हेल्पफुल। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो गाइस। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।